हेलो अशोक सर, हेलो आवाज आता है मजा? हाँ तो सर बोला जॉइंट जैसे होता है ना, अपन लगे स्टार्ट करूँ या? चालू अशोक सर, माझा आवाज येत आहे ना? हो येत आहे येत आहे हाँ सर जॉइन झाले का? आपण लगेच चालू करू. हो स्पीकर बंद करायचा स्पीकर खमची नाही हेलो संदीप सर, संदीप सर आवाज येते का? हो येत आहे आवाज ओके, आपण कोण बोलते हैं? अशोक सर. ओके,
अशोक सर, तो नीचे आज ऊपर जाते प्राइवेसी के बारे में जानते हैं। हेलो बद्रुद्दीन सर। हाँ, 1 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन कर। गुड हाँ, इवनिंग। गुड इवनिंग। अशोक सर, हाँ बोला। आपल्या इथून अजून शेतकरी जॉईंट होत आहेत ना? ओ चालू आहे, चालू आहे। होते हाँ, एक आपले बद्रुद्दीन सर सांग झाले जॉईंट, बोला हाँ शर्मा सर जॉईंट होतील, हो। आपण मग लगेच स्टार्ट करू 2 मिनिटात। चालते चालते। अरे बापा, काय साडे
हाँ, गुड इवनिंग सर, बदरुद्दीन सर। हाँ हाँ गुड इवनिंग, शुरू करूँ? हाँ एक सेकेंड है, मैं आपका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। लेकिन अभी और लोग जुड़ेंगे ना, अभी 12 हुए हैं टोटल। हाँ जुड़ेंगे, या अभी जो जुड़े हुए हैं फार्मर्स, हम शुरू ठीक करते हैं। अशोक सर, अपन ना बोला। वेबिनार ला शुरुआत करत आहोत। सर आवाज नहीं येत आहे तुमचा। आवाज येत नाही। हाँ आता है, आता आला। सुरू करायचं अशोक सर? लवकर चालेल। नमस्कार, मी शीतल करपे, कॉटन गुरु परिवारातर्फे आपला सर्वांचं या वेबिनार मध्ये स्वागत करते। आज आपल्या सोबत या वेबिनार मध्ये जॉईंड आहेत द महागाव एफपीओ चे डायरेक्टर्स आणि शेतकरी बांधव। वेबिनारच्या सुरुवातीला मी आमंत्रित करू इच्छिते बदरुद्दीन खान सर यांना। सर आपल्याला धन्यवाद, जॉईंड आहेत एमसीएक्स मधून। जोखीम थँक यू। व्यवस्थापन कसं करावं आणि ऑनलाइन ट्रेडिंग कसं करता यावं याच्यावरती छानपैकी आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे। तर मी सर्वांना विनंती करते की तुम्ही लक्षपूर्वक ते ऐकावं। सर आपल्याशी हिंदी मध्ये बोलतील, पण आपले जे काही प्रश्न असतील तुम्ही त्यांना विचारा, ते नक्कीच सांगतील त्याच्यावरची उत्तरं। ओवर टू यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। सभी लोगों को धन्यवाद कि आप पक्का लोग समय निकालकर यहाँ पर ज्वाइन किए, और आज का टॉपिक है अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन कपास एंड कॉटन हेजिंग, या प्राइस रिस्क मैनेजमेंट इन कपास एंड कॉटन कहें तो एक ही बात है, प्राइस रिस्क मैनेजमेंट कहें या हेजिंग कहें, यानी जो कीमत घटने बढ़ने से जो नुकसान होता है लोगों को, उससे कैसे बचा जाए, उस जोखिम से कैसे बचा जाए, उस पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जागरूकता अभियान है। देखिए, किसी भी मार्केट में कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है, खरीदने वाला एक बेचने वाला, तभी कोई जाके सौदा होगा। और हर चीज का कीमत एक फिक्स नहीं रहता, रोज घटता बढ़ता है, दिन में सुबह शाम घटता बढ़ता रहता है, तो एक जोखिम रहता है कि कीमत हो सकता है आगे चल के डाउन हो जाए या बढ़ जाए। डाउन होता है तो जिसके पास माल पड़ा है उसका नुकसान होता है, अगर जिसको लेना है आगे बेचना है अगर रेट बढ़ जाता है तो उसका नुकसान होता है। तो दोनों के लिए एक फायदा है कि पहले से ही रेट अगर फिक्स हो जाए, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनाए आदमी, तो एक डिसेंट प्रॉफिट उसका फिक्स रहेगा और अपना काम चलता रहेगा, तो कीमत घटे या बढ़े उससे उसको नुकसान नहीं होगा। और इसी तरीके से जैसे कोई मंडी है, स्पॉट मार्केट है, मंडी जैसे कोई गांव में बेचता है कपास या कॉटन बेल, या मार्केट में जाके बेचता है एपीएमसी मार्केट में, उसे स्पॉट मार्केट कहते हैं, या फिजिकल मार्केट, जैसा माल है जिसका जितना क्वांटिटी है, अगर खरीदार को पसंद आता है तो पैसा दिया लेके चला गया इमिडिएटली, उसमें कोई क्वांटिटी या क्वालिटी या लोकेशन ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है, बायर को पसंद आया वहां मार्केट में ऑन द स्पॉट पैसा दिया लेके चला गया। दूसरा एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ फॉरवर्ड मार्केट, यानी कोई जैसे जिनिंग फैक्ट्री वाला है, बात पहले से ही कर लिया कि आप कपास उगाओ हम इस रेट पे, जब आप यहाँ पैदा होगा, अभी लगा रहे हो मई में तो अक्टूबर नवंबर में हम इस रेट पे आपसे खरीद लूंगा इतना क्वांटिटी, तो ये दो लोगों में एग्रीमेंट हो जाता था। लेकिन ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसका कारण ये था कि कभी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो देने वाला डिफॉल्ट हो गया, उस केस में कहीं और बेच दिया है, या कभी प्राइस नीचे चला गया तो लेने वाला डिफॉल्ट कर दिया कि नहीं लूंगा मैं, कहीं और से बहुत सस्ते मिल रहा है भले एग्रीमेंट किया था। तो इसमें लीगली कुछ नहीं कर सकते आप, वैसे लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कर सकते हैं, लेकिन लीगली कोर्ट में आप जाके कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये दो लोगों के बीच का एग्रीमेंट था, कोई ऐसा कोर्ट से या कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं रहता था। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि इस जो प्राइस घटती बढ़ती है कीमत और नुकसान होता है लोगों को, उससे कैसे बचा जाए, तो एक फ्यूचर मार्केट का कॉन्सेप्ट आया, वायदा बाजार उसे कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में फ्यूचर मार्केट कहते हैं। इसमें पहले से ही फिक्स रहता है कि ये प्राइस किस महीने का है, डिलीवरी कहाँ पे होगा वो फिक्स रहता है, और इसमें एक लॉट साइज फिक्स रहता है कि इतना क्वांटिटी का ट्रेड होगा,
और क्वालिटी जैसे कितना लेंथ होना चाहिए, कितना माइक होना चाहिए, कितना मॉइस्चर होना चाहिए, कितना ट्रेस होना चाहिए, पहले से इसमें फिक्स रहता है। और इसमें बहुत लोग ट्रेड करते हैं, जैसे किसी भी चीज के खरीदने बेचने वाले बहुत ज्यादा रहे तो उसका प्राइस अच्छा मिलता है, फेयर प्राइस डिस्कवरी। एक्सचेंज का मेन पर्पस ही वायदा बाजार का जो शुरू हुआ है यही कॉन्सेप्ट है कि फेयर प्राइस डिस्कवरी हो, यानी अच्छा कीमत मिले, दूसरा हेजिंग कर सकें, जो कीमत घटने बढ़ने से नुकसान होता है उससे बचें लोग। तो एक तरीके का ये कीमत घटने बढ़ने से जो नुकसान होता है उसका ये इंश्योरेंस है, हेजिंग। जैसे कुछ लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं चोरी ना हो, आग ना लगे, लेकिन कीमत घटने बढ़ने से जो नुकसान होता है इसका कोई कंपनी इंश्योरेंस नहीं करती है, तो हेजिंग एक तरीके से काइंड ऑफ इंश्योरेंस। हमारे यहाँ और भी चीजें ट्रेड होता है, जैसे एग्रीकल्चर में हमारा हो गया कॉटन, कपास, मेंथा ऑयल का ट्रेड होता है अभी करंटली, और बुलियन है जिसमें गोल्ड सिल्वर ट्रेड होता है, मेटल में हमारा एल्युमिनियम, कॉपर, निकल, स्टील, इस सब का व्यापार होता है, एनर्जी में हमारा क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस का व्यापार होता है, और टोटल 91 कमोडिटी सेबी ने नोटिफाई किया है, उसी में से हम कोई भी कमोडिटी सेलेक्ट करके अपना स्टडी करके फिर सेबी को भेजते हैं, फिर वो अगर अप्रूव करता है तो हम उसे लॉन्च करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। 20-25 कमोडिटी अभी लॉन्च है ऑलरेडी। और हेजिंग क्या है, जैसे कोई भी कीमत किसी भी चीज की है तो घटता बढ़ता रहता है, जैसे ब्लू चार्ट देख रहे हैं पहले वाले, उसमें प्राइस जो लिखा है ऐसा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर अभी टुडे जो लिखा है यहाँ पे रुका है। अभी कोई नहीं जानता कि फरवरी में क्या रेट होगा, मार्च में क्या रेट होगा, लेकिन अभी से नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ फ्यूचर का रेट दिखता है, अभी जनवरी का दिखता है, मार्च का दिखता है, ऐसा 2-3 महीने आगे का रेट दिखता है, लोग खरीदते बेचते हैं उसमें व्यापार करते हैं, तो जितने में आप बेचेंगे वो रेट फिक्स हो जाएगा, फिर वो ऊपर जाए या नीचे जाए आपको कोई नुकसान नहीं होगा, जितने में आपने बेचा है उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। जनवरी वाला अगर आपने बेचा है कोई चीज आज की रेट, आज जितने में बेच दिया वही रेट फिक्स रहेगा, जनवरी एंड जब आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, 2 फरवरी के आपके अकाउंट में पैसा आएगा। कोई मार्च वाला कॉन्ट्रैक्ट अभी बेचा है, मान लिया 1000-1500 रुपये ऊपर है, 1600-1700, तो वो बेच देगा आज, जब मार्च खत्म होगा वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा 2 अप्रैल को उसके अकाउंट में पूरा पैसा आएगा। या इसमें स्टैगर्ड भी चालू, जैसे भी 5 दिन पहले एक्सपायरी के 5 दिन पहले से स्टैगर्ड चालू हो जाता है, अगर कोई देना चाहे डिलीवरी तो हमारे यहाँ 24 दिसंबर को, 24 जनवरी को भी दे सकता है, और 24 से फिर ऐसे 28 को, 29 को, 30 को भी चाहे तो डिलीवरी दे सकता है, तो उसके 2 दिन बाद उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो जिसके पास माल पड़ा है वो बेचता है एक्सचेंज में, फिक्स हो जाता है रेट, जिसके पास माल नहीं है चाहे स्पिनिंग मिल वाला हो या एक्सपोर्टर हो या कोई व्यापारी हो, वो हमारे यहाँ जितना क्वांटिटी उसको रिक्वायरमेंट है वो खरीदता है, तो दोनों का एक रेट फिक्स हो गया, जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा उसी रेट पर वो खरीदेगा, उसी वही पैसा उसको सेलर को हम लोग पास करते हैं। यह है कॉन्सेप्ट पूरा हेजिंग का, तो फ्यूचर मार्केट का ही कॉन्सेप्ट है, फेयर प्राइस डिस्कवरी हो और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट हो जाए, हेजिंग हो जाए, कीमत घटने बढ़ने से जो नुकसान होता था उससे कैसे बचा जाए। अभी जैसे जितना क्वांटिटी है जिसके पास, सेलर के पास, वो इसमें बेचेगा, और इससे क्या होता है, नफा के लिए या प्रॉफिट के लिए नहीं हेजिंग करता है, नुकसान से बचने के लिए हेजिंग करता है, जो अनप्रेडिक्टेबल चेंज इन प्राइस है उससे कैसे बचा जाए, उसको कैसे, उस रिस्क को कैसे कम किया जाए, ये कॉन्सेप्ट है हेजिंग का। हेजर हमारे जो प्रोड्यूसर है चाहे फार्मर हो या जिनर हो वो रहते हैं, या कोई व्यापारी है इंपोर्टर एक्सपोर्टर, या कोई फॉरेन हेजर्स है, जैसे फॉरेन हेजर्स मींस एलिजिबल फॉरेन एंटिटी के नाम से कभी अलाउ किया सेबी ने 2-3-4 साल से, वो बाहर भी है जैसे चाइना या बांग्लादेश कहीं भी, अगर उसको रिक्वायरमेंट है पर मंथ उसको धागा बनाने का इतना कार्टन, तो हमारे यहाँ से वो सेम क्वांटिटी वो जितना चाहे उस हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट है उतना बाई कर सकता है, पूरा उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि इतना हमें जरूरत है, फिर जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर के आसपास है तो इसको हायर ऑफ कर सकता है पूरी से। दूसरा जो इनका रिस्क लेते हैं लोग, रिस्क लेने वाले हैं इन हेजर्स का, जैसे स्पेकुलेटर्स हैं, स्पेकुलेटर्स का मतलब है कि वो इस बिजनेस से इन्वॉल्व नहीं है, इस इंटायर वैल्यू चेन में नहीं, ना तो वो कार्टन बनाता है, ना वो धागा बनाता है, ना एक्सपोर्ट करता है, ना इंपोर्ट करता है,
लेकिन वो एंटिसिपेट करता है कि प्राइस बढ़ेगा, उसको लगता है कीमत बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कम है, या ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन ज्यादा है कीमत डाउन हो जाएगा, अगर लगता है कम बढ़ जाएगा तो खरीदता है इनिशियल मार्जिन मनी पे करके, अगर बढ़ा तो प्रॉफिट हुआ, अगर नहीं उसके फेवर में हुआ तो लॉस हुआ, लेकिन छोटा प्रॉफिट लॉस करके वो निकलता रहता है, बाई सेल ऐसा करते रहते हैं मार्केट में। तीसरा कैटेगरी एक है आर्बिट्राजर। आर्बिट्राजर वो देखता है दो मार्केट में प्राइस की डिस्क्रिपेंसी, यानी दो मार्केट में प्राइस का डिफरेंस, जैसे स्पॉट में मान लिया कोई चीज 55,000 में है, फ्यूचर में 56,000 में बिक रहा है, तो 1,000 का डिफरेंस है, तो मंडी से खरीद के वो हमारे यहाँ डिपॉजिट करेगा, 500-600 रुपया जो खर्चा आएगा वो निकालने के बाद जो 400 रुपया बचेगा वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। उसका यही काम है, दो मार्केट में अगर ज्यादा डिफरेंस होता है तो एक जगह खरीदता है दूसरी जगह बेचता है और प्रॉफिट कमाता है। तो ये सब प्लेयर्स हैं जो मिलके पूरा मार्केट चलाते हैं और उनकी वजह से लिक्विडिटी बनी रहती है, तो हेजर्स के लिए अच्छा है एंट्री एग्जिट में। मान लिया कोई एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, आज उसके 100 बेल उसके पास पड़ा है, इसको डर है कि हो सकता है मार्च में और नीचे चला जाए प्राइस, अभी 56,500 है मान लिया, तो अभी से वो सेल कर देगा 56,500, जब मार्च खत्म होगा मान लिया रेट डाउन हो गया 1,000, 56,500 वाला 55,500 हो गया, तब भी उसका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये 56,500 में बेचा है, मान ले जाके हमारे गोडाउन में जमा कर दे तो उसको 56,500 के हिसाब से पैसा मिलेगा, अगर हमारे यहाँ नहीं डिपॉजिट करता है तो लास्ट वर्किंग डे जो मार्च का आएगा 5 बजे से पहले अपना पोजीशन एक्सपायर ऑफ कभी भी कर सकता है, चाहे 22 को कर ले, 20 को कर ले, 30 को कर ले, 15 मार्च को कर ले, कभी भी बीच में भी स्क्वायर ऑफ करेगा, तो जो भी डाउन रहेगा उतना उसका प्रॉफिट हो जाएगा, और मार्केट में थोड़ा जो उतना सस्ता बिकेगा तो नुकसान नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट जो हुआ यहाँ पे उसके अकाउंट में पैसा आ गया, मान लिया 56,000 वाला 55,000 हो गया, तो 1,000 का यहाँ से उसको प्रॉफिट होगा, मंडी में 1,000 रुपये नीचे भी बेचेगा तो एक्चुअल में नुकसान नहीं होगा क्योंकि 1,000 उसको यहाँ से मिल गया, तो जो रेट है आज का वही उसका फिक्स रहेगा, तो ये फायदा है किसानों के लिए, या स्पिनिंग वाले इस रेट पे बाई कर लें, एक्सपोर्टर बाई कर सकते हैं। और हमारा जो बताया था कि हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया जाता है वो फिक्स रहता है, इसी क्वालिटी पैरामीटर के अंदर ही माल रहना चाहिए, स्पॉट में कुछ नहीं रहता, जो भी उसको पसंद आया खरीदा लेके चला गया या अपना टेस्ट कर लिया उसको चलेगा किसी को तो ले लेगा, लेकिन हमारे यहाँ पैरामीटर पहले से फिक्स है, जैसे 29 mm का कॉटन होना चाहिए लेंथ, डाउन साइड में 28 तक हम लोग ले लेंगे लेकिन 1% का डिस्काउंट रहेगा, 28.5 आएगा तो आधा, 28 आएगा तो एक, बिलो 28 रहेगा तो रिजेक्ट। आरडी वैल्यू एक होता है जिसमें कितना सफेदी है पता चलता है, उसका व्हाइटनेस कितना है, वो 75 हमने रखा है बेसिस, डाउन साइड में 74 भी एक्सेप्ट करेंगे लेकिन 1% का डिस्काउंट, 73 आ गया तो एडिशनल 1.5% का, यानी टोटल 2.5% के आसपास का डिस्काउंट हो जाएगा अगर 73 है, बिलो 73 है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा माल। ऐसे ट्रेस, हमारा ट्रेस मतलब लिंट के अलावा कोई और चीज, रुई के अलावा कोई और चीज, धूल मिट्टी पत्ती कुछ भी आया तो वो ट्रेस कहलाएगा, तो मैक्सिमम 4% तक ले लेंगे, 3 है लेकिन 4 तक लेंगे, लेकिन डिस्काउंट हो जाएगा उस पर 1:1 के रेशियो में, 4 के ऊपर अगर हुआ कचरा। हेलो, किसी को कुछ सवाल रहेगा तो बाद में पूछेगा और म्यूट कर लीजिए अपना, किसी का आवाज आ रही है। मॉइस्चर हमारा 9% का है बेसिस, बट वी आर एक्सेप्टिंग अप टू 10%, 10% है तो 1% का डिस्काउंट हो जाएगा, 9.5 है तो 0.5% का डिस्काउंट हो जाएगा, 10 के ऊपर होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से माइक है हमारा 3.7 से 4.6, और इसमें अगर 0.1 बढ़ा तो 0.025 का डिस्काउंट है, यानी 4.9 हो गया तो 0.75% का डिस्काउंट, ऐसे ही डाउन साइड में भी अगर 3.5 आ गया तो 0.5% का डिस्काउंट, बिलो 3.5 रिजेक्ट हो जाएगा, 4.9 के ऊपर है तो रिजेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेंथ 28 GTX का है, यानी एक एक रेशे की उठाने की कैपेसिटी, वेट उठाने की कैपेसिटी 28 ग्राम होना चाहिए, यानी वो भीगा ना हो सड़ा ना हो, अगर बढ़िया रेशा है तो उठा लेगा, अगर सड़ा है पानी पड़ा है उस पर कभी बहुत दिन से ऐसे तो वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो वो नहीं चलेगा। और रेट जो हमारे स्क्रीन पे दिखेगा 55,500 या 56,000, वो रुपीज पर कैंडी रहता है, एक कैंडी में 356 kg के आसपास रहता है, किलो 355.56 kg,
और ट्रेडिंग यूनिट डिलीवरी यूनिट अभी हमारा दोनों 48 कैंडी का है, या 100 बेल कहें या 48 कैंडी कहें, हो सकता है आने वाले दिनों में इसको थोड़ा लॉट साइज छोटा हो जाए, हम लोग जल्दी ही कर सकते हैं उसको 1-2 महीने में। टिक साइज अभी हमारा 20 रुपीज का है, टिक साइज का मतलब जैसे अभी 56,000 है तो 56,020 होगा, 56,040 होगा, 20-20 रुपए के अप या डाउन होगा, मूवमेंट रहेगा। हमारा अभी कॉन्ट्रैक्ट बाई मंथली हो गया, पहले मंथली था, अभी बाई मंथली, जैसे नवंबर है, जनवरी है, मार्च में, जुलाई एंड सितंबर, एक एक महीना का करके कॉन्ट्रैक्ट है। और कंपलसरी डिलीवरी अगर कोई लेना चाहे तो उसको डिलीवरी मिलेगा ही। ऐसे ही कपास का भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया, जो स्क्रीन पे रेट दिखता है 20 kg का रहेगा, जैसे 1500 है तो 20 किलो का रेट रहेगा। ट्रेडिंग यूनिट डिलीवरी यूनिट 200 मन का है, 1 मन 20 किलो का रहता है, या 4 मेट्रिक टन कहें या 200 मन कहें। और टिक साइज इसमें 50 पैसे का, जैसे 1550, 1501। और इसमें 3 महीना हमारा रहता है, जैसे मार्च, अप्रैल, नवंबर, लेकिन अप्रैल ही कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव रहता है। और क्वालिटी स्पेसिफिकेशन सेम कॉटन जैसा कपास का रहता है, लेकिन इसमें डिलीवरी कंपलसरी नहीं है, जब बायर सेलर दोनों चाहेंगे जब ही हो, इससे अभी तक कपास में डिलीवरी हुआ नहीं, कॉटन में होता है। और जब कॉटन गठान बन जाती है तो उसके बाद हमारे गोडाउन पे माल ला के डिपोजिट करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब गोडाउन में माल आएगा ट्रक से, उसके बाद मॉइस्चर टेस्ट करता है 20 बेल में, तकरीबन 20 मिनिमम 20, और टेस्ट जो सैंपलिंग होगा उसका 5 बेल कट करेगा, 100 में से 5 बेल सैंपल का कट होगा। उसके लिए हमने रखा जो सैंपलिंग एजेंसी SGS है, और टेस्ट वो सैंपल कट करके टेस्ट के लिए भेजेगा जो वेकफील्ड, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये सब लैब है मुंबई में, अटीरा हमारा अहमदाबाद में है, तो इसी तीनों लैब में से कहीं किसी एक लैब में भेजेगा टेस्ट करने के लिए माल। जब ये रिपोर्ट आएगा, जो हमने पैरामीटर बताया था कि इतने एमएम का लेंथ होना चाहिए, इतना आरडी होना चाहिए, इतना माइक होना चाहिए, इतना ट्रेस होना चाहिए, तो उस सब के अंदर रहेगा तो पास होगा, अगर उसके बियॉन्ड है तो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी डाउन साइड अगर लेंथ है तो 28 के नीचे तो रिजेक्ट, आरडी 73 के नीचे तो रिजेक्ट, ऊपर है तो इसमें प्रीमियम नहीं है। ट्रेस अगर कम है 3 से 2 है तो उसमें प्रीमियम है, और बाकी किसी पैरामीटर में प्रीमियम नहीं है। और तो टेस्टिंग चार्ज 3,500 रुपये है, प्लस GST लगेगा। अनलोडिंग और स्टेकिंग यानी ट्रक से उतार के गोडाउन में रखना, उसका चार्ज है 30 रुपये के आसपास, ही लेबर लेता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस इसमें हो सकता है, क्योंकि लेबर कहीं ज़्यादा लेता है, कहीं थोड़ा बहुत कम लेता है। वेयर हाउस चार्जिंग जो है, वेयर हाउस में रखने का किराया लगेगा, 2.85 रुपये पर बेल पर डे, यानी 100 बेल है तो 285 रुपये रोज का भाड़ा है। और हमारा डिलीवरी सेंटर मेन गुजरात में राजकोट है, एडिशनल डिलीवरी सेंटर मुंद्रा कड़ी, और महाराष्ट्र में जालना यवतमल, आदिलाबाद तेलंगाना में है, इंदौर MP में, तो इतने जगह हमारा डिलीवरी सेंटर है। अगर हम जैसे कहते हैं यवतमल, तो उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी हो सकता है, वो यवतमल ही डिलीवरी सेंटर कहलाएगा। जैसे हिंगन घाट में है, हिंगन घाट, RV, अमरावती, वर्धा, इस सब जगह हमारा डिलीवरी सेंटर है। जालना कहता हूँ तो सिल्लोड भी हो सकता है, जालना भी हो सकता है, यानी 100 किलोमीटर आजू बाजू कहीं भी, चारों तरफ कहीं भी रहे तो वहां पे वेयर हाउस ले सकता है, और कई कई वेयर हाउस हो सकते हैं, एक फुल हो गया तो दूसरा लेते हैं। कीमत घटने बढ़ने का कई फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे इंटरनेशनल में क्या प्राइस चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पड़ेगा इंडिया में। अभी पूरा इकोनॉमी, पूरा दुनिया एक तरीके से गाँव हो गया है, विलेज, क्योंकि अभी ग्लोबल इकोनॉमी हो गई, कहीं भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो पूरे दुनिया का हमें प्राइस देखना पड़ेगा। अगर वहाँ सस्ता है पूरे वर्ल्ड में तो हमारे यहाँ भी रेट डाउन रहेगा, अगर किसी कारण से वहाँ पे बढ़ गया तो हमारे यहाँ पे भी तेजी आएगी। कारण यही होता है उसका, डिमांड सप्लाई का ही फैक्टर, अगर वहाँ पे क्रॉप कम है, सप्लाई कम है, तो हमारे वहाँ पे भी तेजी आएगी और हमारे यहाँ पे भी तेजी आएगी। तो सिर्फ अपने यहाँ का ही हमें प्रोडक्शन फिगर नहीं देखना चाहिए, पूरे इंडिया का भी देखो, पूरा मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री जैसे चाइना है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब का हमें प्रोडक्शन सप्लाई डिमांड सप्लाई देखते रहना चाहिए। हर महीने US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ये निकालता है, फॉरकास्ट करता है, एस्टिमेट देता है कि इस महीने का ये है प्रोडक्शन अमेरिका का है, कुछ टॉप 8-10 कंट्री का भी देता है, फिर पूरा ग्लोबल का देता है, कितना प्रोडक्शन होगा, कितना कंजम्पशन होगा, कितना इम्पोर्ट होगा, कितना बैलेंस बचेगा,
तो पूरा दुनिया का एक आइडिया मिल जाता है कि क्या रहेगा। तो उसको रेगुलरली हमें देखना चाहिए, 8 से 10 तारीख के बीच में हर महीने तकरीबन आती है, तो वो वॉच करना चाहिए। करेंसी रेट क्या है, फॉरेक्स रेट यानी रुपी और यूएस डॉलर में कितना घटा बढ़ा है, वीकनेस है तो एक्सपोर्ट को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांग है तो इम्पोर्ट पे ज्यादा अच्छा रहता है। और जियो पोलिटिकल फैक्टर भी देखना, अपना ग्लोबल भी देखना है, इंडिया का भी देखना है कि अगर कहीं डिस्टरबेंस है, आने में जाने में शिपिंग में दिक्कत है तो रेट थोड़ा बढ़ेगा। और टेरिफ रेट देखना, इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है, किस कंट्री में कोई कोटा है कि नहीं है, जैसे अभी हमारे यहाँ इम्पोर्ट ड्यूटी है 10%, अगर ये हट जाए तो और कम वीक हो जाएगा रेट, या कभी कभी इम्पोर्ट ड्यूटी कुछ कंट्री और बढ़ा देती हैं, टेरिफ बढ़ा देती हैं, या कभी कभी कुछ कंट्री एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दे देती हैं, तो इस सब को हमें वॉच करते रहना है, ध्यान देना है। और पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन भी, किस देश का कैसा है, रिसेशन है कि इन्फ्लेशन है, तो उसका भी इम्पैक्ट प्राइस पे पड़ता है, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हमें देखना चाहिए कि क्या कंडीशन है। और फाइनली डिमांड एंड सप्लाई पे ही प्राइस डिटरमाइन होता है। एक्सचेंज भी एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, एक मार्केट है जो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से लोग प्राइस कोट करते हैं। अगर डिमांड कम है तो रेट डाउन रहेगा, कम बोलेंगे, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है तो रेट बढ़ेगा। और ये पूरा रेगुलेटेड बाई सेबी है, जैसे बैंक का रेगुलेटर आरबीआई है, वैसे एक्सचेंज का भी रेगुलेटर सेबी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। तो इसमें फ्यूचर मार्केट के होने की वजह से आगे का रेट देख सकता है आदमी, प्लान कर सकता है, और किसी भी तरीके का इसमें कोई गड़बड़ी होने का चांस नहीं रहता है, काफी ट्रांसपेरेंसी है। गड़बड़ी होना का मतलब ये है, जैसे कोई बेचा है तो उसको पूरा पैसा मिलेगा, कोई खरीदा है तो उसको एक क्वालिटी स्पेसिफिकेशन जो मेंशन है इसी क्वालिटी पैरामीटर में उसको माल मिलेगा। और हर वेयर हाउस में जब ये डिपॉजिट होता है तो उसमें हम लोग एक एक्सेल शीट बना के वेबसाइट पे दिखाते हैं कि इस वेयर हाउस में इस क्वालिटी का माल यहाँ पे इतना रखा है, पूरा वेयर हाउस वाइज जितना प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ कॉटन बेल का, 343 लाख बेल जैसे लास्ट ईयर का था, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का, जो पर बेल यानी 170 किलो का जो बेल रहता है उसका एवरेज प्राइस था बनता है 29,688। तो उसको मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख करोड़ के आसपास आता है मार्केट साइज, यानी जितना बेल है, लिंट है, उसका वैल्यू 1 लाख करोड़ के आसपास हमारे देश में रहता है। तो एनुअल वोलेटिलिटी यानी साल में जो प्राइस का घट बढ़ होता है तेजी मंदी, वो 15 से 18% के आसपास रहता है। लास्ट ईयर 15% था, उससे पहले और ज्यादा था। तो 1 लाख का 15% तो 15,000 करोड़ का हो जाता है। तो यानी 15,000 करोड़ का रिस्क रहता मार्केट में ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस घटने बढ़ने से 15,000 का नुकसान हो सकता है, इतने का जोखिम पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रहता है। और हमारे यहाँ कई लोग डिपॉजिट करते हैं, कई व्यापारी या जिनिंग फैक्ट्री वाले या सब लोग, अगर उनको लगता है यहाँ पे अच्छा है, प्रॉफिट ज्यादा है, तो यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। अगर मिल वाले से ज्यादा यहाँ पैसा मिलता है या उतने ही के आसपास मिलता है, लेकिन इस बात की गारंटी रहती है पूरा पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। 2011 से हम लोगों ने फ्यूचर मार्केट कॉटन में शुरू किया है, जब से अब तक का 21 लाख गठान से ज्यादा का डिपॉजिट हो चुका है, लोगों ने डिलीवरी लिया है, 21 लाख बेल से ज्यादा का डिलीवरी हमारे एक्सचेंज के थ्रू, एक्सचेंज के गोडाउन से, एमसीएक्स सीसीएल या एमसीएक्स एक्रेडिटेड वेयर हाउस से हुआ है 21 लाख बेल का। और ऐसे ही जैसे एमसीएक्स एक्सचेंज है, वैसे एक आईस है, इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, यूएसए में, अमेरिका में, तो वहां पे भी फ्यूचर मार्केट चलता है, इवनिंग में वो मार्केट खुलती है। इसीलिए हमने अपना मार्केट का टाइम सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक किया है ऐसा, जबकि हमारे यहाँ फिजिकल मार्केट 5 साढ़े 5 बजे बंद हो जाती, 6 बजे, लेकिन हमने 9 बजे तक इसलिए रखा है कि वहां पे भी अगर प्राइस घटता बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पड़ता है। आइस और एमसीएक्स का कोरिलेशन प्राइस में अप्रोक्सीमेटली 80% है, तो अगर वहां 100 बढ़ा तो हमारे यहाँ पे भी 80 रुपया बढ़ेगा, या 90 बढ़े या 95 बढ़े, ऐसा नहीं कि वहां पे बढ़े हमारे यहाँ घटे, या वहां 100 बढ़ा तो हमारे यहाँ 50 बढ़ा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमने कर दिया कि अगर वहां इवनिंग में ज्यादा मार्केट में तेजी मंदी आई तो हमारे यहाँ के भी व्यापारी फ्रेश कोई भी पोजीशन ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, या पहले का पोजीशन है स्क्वायर अप कर सकते हैं। तो टाइम इसीलिए बढ़ाया कि ताकि उनको नेक्स्ट डे गैप ओपन या गैप डाउन, ऐसा गैप अप ना खुले या गैप डाउन ना खुले, तो उस मूवमेंट को कैश करने के लिए इवनिंग में भी हमने खोला है मार्केट में।
और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन हमने डिजाइन किया है पूरे मार्केट का 70% उसमें कवर हो जाता है तकरीबन। और इसमें सीटीटी नहीं है, कॉटन और कपास दोनों में सीटीटी नहीं, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, बाकी प्रोसेस्ड एग्री में लगता है लेकिन इन दोनों में नहीं है। और जैसे हमने बताया था कि 21 लाख बेल का हमारे गोडाउन के थ्रेड डिलीवरी हुई, तो ये ईयर वाइज 2011-12 में पहले ही साल हमारा 80,500 का डिलीवरी हुआ था, दूसरे साल 1.5 लाख का, ऐसा घटते बढ़ते हमारा हाई जो था सबसे ज्यादा 3,98,000 का 18-19 में, 4 लाख गठान के आसपास का डिलीवरी हुआ। और 21-22 में 2.5 लाख के आसपास हुआ, 2.5 लाख बेल का। अभी ये मंथ वाइज है हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये दिसंबर में देखिए 18,625 बेल का डिलीवरी हुआ था, और अभी हमारे पास 6,000 के आसपास अभी भी स्टॉक है और अभी प्रोसेस में है, 10,000 के आसपास होगा, लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। किसान को सबसे बड़ा फायदा वायदा बाजार से फ्यूचर मार्केट से ये है कि लगाता है जब फसल किसान, तो ऑफ सीजन रहता है उस टाइम रेट ज्यादा रहता है वो समझ के लगाता है, लेकिन जब किसान के घर पे आता है फसल तो 4 महीना लग जाता है आते आते, उस टाइम अराइवल का प्रेशर रहता है, मार्केट में ज्यादा माल अवेलेबल रहता है तो प्राइस नीचे आ जाता है, तो किसान जो भी रेट रहता है उतने में बेचता है। बहुत कम ऐसे किसान हैं जो होल्ड करें पूरा, कपास ज्यादा जगह भी लेता है, कुछ बड़े फार्मर्स हैं जो कर सकते हैं कुछ होल्ड, लेकिन सभी किसान नहीं कर सकते, तो जो भी रेट रहता है वो बेचते हैं, और कुछ पैसे की उनको जरूरत भी रहती है तो बेचना पड़ता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने मई में ही, यानी जब बिजाई से पहले आदमी देख ले कि क्या रेट है अक्टूबर का, नवंबर का, जनवरी का, जब उसके यहाँ फसल आएगी तब का रेट, और लोग खरीदते बेचते हैं चालू हो जाता है, यानी 7-8 महीने आगे का रेट। फर्स्ट मई को ही मई का भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जुलाई का रहेगा, सितंबर रहेगा, नवंबर रहेगा, जनवरी रहेगा, जब भी वो चाहे तो सौदा बेच दे, जब उसके यहाँ पैदा हो प्रोसेस करके हमारे यहाँ लाके डिपॉजिट कर दे नए सीजन का क्रॉप, तो उस नुकसान से जो बच सकता है, जो घटा था जिसे कुछ दिन पहले ये 60,000 के आसपास था, अगर कोई किसान पहले बेचा होता तो ये नुकसान नहीं होता, जो अभी 55,500 चल रहा है जनवरी वाला, तो उसका वो बेनिफिट मिल जाता, लेकिन जो लोग नहीं बेचे हैं वो एक तरीके से लॉस है। और कोई भी एक्सचेंज पर ट्रेड करता है तो उसका एक तो रिस्क कम हो जाता है और बैंक की नजर में उसका वैल्यू बढ़ जाता है और आसानी से लोन ले सकता है, या कोई काउंटर पार्टी है उसका ट्रस्ट बढ़ जाता है कि एक्सचेंज पे ये हेज किया है तो इसको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जैसे मान लिया कोई प्रोसेस करके, मान लिया उस टाइम नहीं बेच पाया कोई, या प्रोसेस करके कपास से काटन गठान बनाता है तो वैल्यू एडिशन हो जाएगा, इसका भी एक बेनिफिट होगा। ये हम किसानों के जानकारी के लिए एक स्लाइड बनाए, जबकि हमारे यहाँ इसका नहीं है रिक्वायरमेंट कि ये सब बताना, लेकिन जैसे कोई किसान अगर वैल्यू एडिशन करता है, कपास से लिंट बनाता है, तो उसका क्या फायदा होगा, एक मोटा मोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कपास है 7,000 रुपया पर कुंटल, मान लिया अभी कपास, तो एक कुंटल कपास में 34 किलो यानी 34% हमारा लिंट निकलता है, 64% सीड, अप्रोक्सीमेटली 1-2% प्लस माइनस हो सकता है जैसा कपास रहे। तो अगर एक कुंटल कपास में 34 किलो रुई है, 64 किलो सरकी है, तो एक गठान अगर बनाना है एक बेल 170 किलो का, तो उसके लिए 5 कुंटल कपास चाहिए, 5 कुंटल कपास में 170 किलो रुई निकलेगी 34% लिंट के हिसाब से, 320 किलो सरकी निकलेगा 64% के हिसाब से, बाकी 10 किलो वेस्टेज जाएगा, वजन कम हो जाएगा इधर उधर उठाने में, या कुछ गिर जाएगा उड़ जाएगा, कुछ कम हो जाता प्रोसेस करने पर। तो एक गठान बनाने के लिए 5 कुंटल कपास चाहिए, तो 100 गठान बनाने के लिए 500 कुंटल कपास चाहिए, तो 500 कुंटल कपास एक दो किसान के पास नहीं रहता है, इसलिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाना चाहिए। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है तो उसमें 40-50 किसान इकट्ठा हो गए, 50 किसान हो गए तो 10-10 कुंटल देंगे, तो 500 कुंटल बड़े आसानी से हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर 7,000 के हिसाब से इसी कपास को ही बेचता है कोई किसान संगठन, तो 35 लाख का बिकता है, लेकिन अभी वो जिनिंग करा रहा है, गठान बना रहा है, तो किसी जिनिंग से बात करेगा, जिनिंग फैक्ट्री मालिक से, तो 1,000 रुपया लेगा एक गठान बनाने का, उसमें कपड़ा पट्टी सब लगा के देगा, तो 100 गठान का 1,00,000 रुपये हो जाएगा, यानी आपका जो कपास था उसमें 1,00,000 रुपया और खर्चा किया आपने, तो उसका वैल्यू हो गया 36 लाख। अब गठान अगर बिक रहा है 27,000 रुपया ये 28,000 रुपया पर बेल के हिसाब से, एक गठान का 28,000 है, तो 100 गठान का 28 लाख हो गया,
टर्की आपका अगर 32 रुपये किलो है तब तो 10,24,000, 30 रुपये किलो अगर बिकता है तो इसमें 32 टन निकलेगा आपका टर्की, 9,60,000 हो जाएगा अगर 30 के हिसाब से बिकता है, यानी 1 रुपये घटता बढ़ता है टर्की का रेट, तो आपका सीधा 32,000 का फर्क पड़ेगा, क्योंकि 32 टन है, 32,000 किलो है, 1 रुपया बढ़ा तो 32,000 रुपया आपका टोटल बढ़ जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है तो काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर 27 लाख, 27,000 के हिसाब से तो 27 लाख का आपका काटन गठान बिक गया, 32 के हिसाब से अगर सरकी बिक रहा है तो 10,24,000 का हो गया, तो ये अगर जोड़ेंगे तो 38 लाख के आसपास हो जाएगा। तो 36 लाख का वैल्यू था आपका, 38 लाख का ये बिक गया तो 2 लाख आपका प्रॉफिट हो गया। अगर ये 9,60,000 में ही सरकी बिकता तो आपका 37,60,000 हो जाता। अगर उस दिन जिस दिन बेचना रहे उस दिन का रेट देखिए, कैलकुलेट करिए, अगर प्रॉफिट है तो बेचिए ऐसा करके, और डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, क्योंकि जिनर जब आपसे खरीदता है तो वो अपना कितना प्रॉफिट होगा वो उसमें कैलकुलेट कर लेता है, देखता है। तो इसी तरीके से आपको भी जोड़ना चाहिए, अगर प्रॉफिट है तो खुद प्रोसेस करके, 4 महीना किसान रहते हैं तो 8-10 दिन व्यापारी बन के भी करेंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और जो टेस्टिंग चार्ज वगैरह है उसको हम लोग एफपीओ को बेनिफिट भी देते हैं हमारी कंपनी, इनकरेज करने के लिए। अभी किनर डिपॉजिट कर रहा है या कोई व्यापारी डिपॉजिट कर रहा है या किसी से खरीद के कोई कर रहा है, तो अगर फार्मर भी करे तो बेनिफिट उठाएगा। फार्मर का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, ना के बराबर, उसको इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट से भी, एमसीएक्स हमारी कंपनी, एक्सचेंज सभी मतलब इसको प्रमोट कर रहे हैं कि देना चाहिए। तो उसमें टेस्टिंग चार्ज हमारा है, असिंग चार्ज है तकरीबन जो भी है 3500 के आसपास, जो टेस्टिंग चार्ज है पूरा 100% रिम्बर्स हो जाएगा एफपीओ को। रिम्बर्स मतलब वापस, पहले वो लगाएगा बाद में क्लेम करेगा, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लेटर हेड पे देगा लिख के कि हमारा ये टेस्टिंग चार्ज हुआ है खर्चा, और ये सारे खर्चे बना के लेटर हेड पे देगा, तो हम उसको भी देने भी वापस कर देंगे, उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। टेस्टिंग चार्ज पूरा 100%, वेयर हाउस का रेंट जो भी लगेगा जितने दिन का, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जितना भी लगेगा, 285 रुपया डेली का, 100 बिल का, वो हम पूरा रिएम्बर्स कर देंगे। पैकेजिंग कास्ट यानी कपड़ा पट्टी का अगर जिनर बना के देता है लिख के कि इतना लगा है, वो भी हम पूरा रिएम्बर्स कर देंगे। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जितना रहेगा जैसे जिनिंग फैक्ट्री से हमारे गोडाउन तक लाने का, उसका 50%, मान लिया 20,000 लगा तो 10,000 हमारी कंपनी रिएम्बर्स कर देगी, जो भी बिल देंगे उसका 50% ट्रांसपोर्ट में, बाकी सब उधर 100% का जो बताया था। ब्रोकरेज फी जो लगेगी, ब्रोकर लेगा कुछ, आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, जैसे शेयर मार्केट का खुलता है वैसे आपको इसको भी खोलना पड़ेगा, चाहे फिलिप कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल, कोटा का, ऐसा हमारे यहाँ 500-600 ब्रोकर हैं जो वेबसाइट पे हैं रजिस्टर्ड ब्रोकर, वो रजिस्टर्ड ब्रोकर के यहाँ ही खोलना है, देख लीजिए कौन कौन है, जहाँ आपको कंफर्ट हो वहाँ खोलिए, तो वो ब्रोकरेज लेगा, वो भी हमारा रिम्बर्स हो जाएगा। किसी का मंडी टैक्स वगैरह लगा है वो भी रिएम्बर्स हो जाएगा, यानी मैक्सिमम खर्चा जो है डिपॉजिट करने में वो हमारी कंपनी रिएम्बर्स कर रही है, तो वो भी एक तरीके से एफपीओ का फायदा है। और जिसको नहीं मिलता है वो भी कमाता है, आपको ये भी एडिशनल मिल गया बेनिफिट, तो और फायदा हो गया, इसलिए डिपॉजिट सारे किसानों को एफपीओ को करना चाहिए। और खोलने से पहले इसको अकाउंट खोलना चाहिए, पहले कभी भी ट्रेड करने से पहले रजिस्टर्ड ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खोलना चाहिए, और हम इसे वेबसाइट पे दिया है, चेक्स इंडिया पे जाएंगे तो रजिस्टर्ड ब्रोकर का लिस्ट है पूरा, उसमें देखिए कहीं भी खोलिए, और जब भी अकाउंट खोलना रहे तो जिस प्रोडक्ट में ट्रेड करना रहे उसको समझिए, उससे ब्रोकरेज पूछिए, ट्रांजैक्शन चार्ज क्या है, मार्जिन मनी क्या होता है, डिफॉल्ट कोई होता है तो पेनाल्टी क्या है, ये सब खुद पढ़ना भी चाहिए, हमारे वेबसाइट पे है, ब्रोकर से पूछेंगे तो वो समझाएगा भी, और क्या क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए इस बात पे भी ध्यान दीजिए। केवाईसी जब आपका हो जाएगा पूरा तो एक यूसीसी नंबर देगा, जब अकाउंट खुल जाएगा तो वो नंबर बताएंगे, उसमें पूरा डिटेल आपको वो फिर बताएगा कि ये है आपका, जैसे कोई चीज़ खरीदे या बेचे तो आपको फौरन मैसेज आएगा कि आपने ये खरीदा ये बेचा इतना ब्रोकरेज लगा, कब खरीदा क्या खरीदा, सब पूरा डिटेल रहेगा। कभी भी कोई लालच दे कि आप शेयर मार्केट में खरीद लो ज्यादा कमाओगे, या कुछ शेयर खरीद लो, या क्रूड ऑयल खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, सिल्वर खरीद लो, ऐसा कुछ लालच दे ब्रोकर तो उसमें नहीं जाना है आपको, या कोई टिप्स दे कि हम जो बताते रहे ये खरीदते रहो तो इतना कमा लोगे, उस चक्कर में नहीं पड़ना है। कभी कोई कैश मांगे तो कैश पैसा नहीं देना है, कोई ब्लैंक चेक नहीं देना है,
तो इस सब से बचना है, जो कोई लालच दे कह दीजिए मुझे सिर्फ कॉटन या कपास अपना एक गठान बना के बेचना है, बाकी कुछ इसमें नहीं पड़ना, हेजिंग करना है। और सेबी ने कभी ऐसा अपना स्कैनर दिया है और अपना इन्वेस्टर को प्रमोट कर रहे हैं कि ये भी जाना इन्वेस्टर के लिए, सेबी क्या कर रहे हैं, इसको स्कैन करेंगे तो कई उसमें क्वेश्चन आएगा, तो नॉलेज के लिए आपके अच्छा रहेगा, तो सेबी ने प्रमोट करने के लिए कहा है और इसका स्क्रीनशॉट लेके हम लोग भेजते हैं उसको कि हमने एक वेबिनार किया था और ये है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मैडम। और दूसरा ये भी है कि वेबसाइट से भी का इन्वेस्टर के लिए है, उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग इसको सभी को दिखाते हैं कि ये सब देखें कि से भी करती है, इसमें वेबसाइट है, इस पे जाएंगे तो पूरा डिटेल मिलेगा, investor.sebi.gov.in। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके हम लोग देते हैं, सेबी कहती है इसको भी प्रमोट करने के लिए, तो स्क्रीनशॉट लेके जब भी वेबिनार होता है या मीटिंग होता है उसको हम लोग करते रहते हैं। थैंक यू। कुछ और किसी का सवाल हो तो पूछिए। एक मोबाइल ऐप में भी इसका रेट देख सकते हैं, कभी MCX लाइव ऐसा एक आता है, ये ब्लू कलर का जो मोबाइल बना है इस टाइप का दिखेगा, उसमें डेली प्राइस अपडेट होता रहता है, लाइव 2-4 मिनट लेट रहेगा लेकिन दिखता रहेगा आपको प्राइस, तो ये आसानी होगी क्या रेट चल रहा है। धन्यवाद। अगर किसी के मन में कुछ सवाल है तो पूछिए प्लीज। कोणाला बद्रुद्दीन सरांना काही विचारायचं आहे? आता हाँ, त्यांनी जी माहिती आपल्याला सांगितली त्याबद्दल. और स्क्रीनशॉट ले रही हो ना मैडम? ठीक, हाँ हाँ सर, आप एक सर ने आपका नंबर मांगा है, चैट बॉक्स में आया है कुछ मैसेज. अच्छा मैं डाल देता हूँ। अशोक सर, हाँ बोला। आपल्याला काही विचारायचे प्रश्न, सरांनी जी माहिती सांगितली त्याबद्दल. नहीं, तो माहिती मैंने कळली अपना डाल त्यांची। दिया नंबर। हाँ मला एक बोला ना. होता की आपल्याला समोरच्या मार्केट बद्दल ते सांगता येत नाही असं बोलले, पण आता या वर्षी अच्छा, आपकी आवाज कट रही है कुछ? आवाज आपला अटकत आहे, क्लियर ऐकू और नाही हाँ, येते. ये मैं अपना नंबर लिख दिया हूँ, 9167780499। अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, कभी भी जरूरत रहे तो फोन कर सकते हैं। और इस पे एक पूरा जो अभी हमने बताया इसका भी फीडबैक, और ओवरऑल जो ट्रेनिंग होगी उसका भी एक फीडबैक चाहिए, इस पे चैट बॉक्स पे डाल दीजिए। कैसा लगा प्रोग्राम आपको, आज का वेबिनार कैसा लगा, चैट अशोक सर, बॉक्स पे फीडबैक। आता बोलू शकता आपण? आपला काय प्रश्न होता? सर शायद इनको नेटवर्क नहीं है. इनके जो क्वेश्चन है मैं ले लेती हूँ और आप तक फॉरवर्ड कर देती हूँ. ठीक। थैंक और यू फीडबैक, बद्रुद्दीन. हाँ फीडबैक ले हाँ लीजिए कुछ लोगों का हाँ और उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजिए। हाँ आज का जो प्रेजेंटेशन सर ने हमें बताया या जो इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, अगर हम उन्हें उन्होंने बताए हुए रास्तों पर चलेंगे तो जरूर एफपीओ को फ्यूचर में जाके अच्छा फायदा हो सकता है. थैंक यू सर. ये प्रेजेंटेशन धन्यवाद। आप सबको कैसे लगा इसकी प्रतिक्रिया चैट बॉक्स में दीजिए, ऐसे में विनंती करती हूँ. वेबिनार के आगे के डब्बे में मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मनीष सर इनको, जो कॉटन गुरु के प्रमुख हैं. मनीष सर, हेलो हेलो, हाँ बोला. हेलो, आवाज देता हाँ, सर आवाज आ रही है. हाँ हेलो, सर आवाज आ रही है. आ रही है तुमको? आ रही है मेरी आवाज? सॉरी सुनाई नहीं दिया. मेरी आवाज आ रही हाँ, हमारे साथ जुड़े हुए द महागांव एफपीओ के डायरेक्टर सर फार्मर अशोक खड़ावे सर है हमारे साथ. क्या? नमस्कार नमस्ते. मधुदीन जी, नमस्ते। ट्रेन में हूँ, नागपुर जा रहा हूँ।
बड़ी जात मार्केट फिशिंग का ही फाइंडिंग ऐसी है कि सर्वे का बरोबर गलत है। डिजिटल और कोई डायरेक्टर भी है सर? आपका आवाज नहीं क्लियर आ रहा है, ब्रेक हो रहा है आवाज। अभी आ रहा? हाँ सर। अशोक भाव नमस्कार। नमस्कार। हाँ मी ट्रेन मध्ये आहे, उद्या वर्धाला तिकडे वणी वर्धा वरोरा साइडला आहे। हाँ किती कापूस विकला असेल शेतकऱ्यांनी? अशोक सर, मनीष सर आपल्याला विचारत आहे किती कापूस वेचून झालेला आहे शेतकऱ्यांचा आतापर्यंत। कुछ बोले सर, वो उनको भी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ हाँ तो फिर और कोई होगा तो उनको देखो। जानने हाँ, का ये है कि कितना परसेंट कापूस बिक गया है, कितना परसेंट रहा है। ये पूछना है कि अभी कितने दिन वो कापूस के झाड़ रखने वाले हैं, क्योंकि कल गुलाबी है और गुलाबी बोंदड़ी से बचना है तो एक ही रास्ता है, 5 महीने का गैप होना चाहिए कापूस के झाड़ निकालने में और दूसरी लागवड करने में, नहीं तो वापस आएगी बोंदड़ी। पूछ लेती हूँ इनको ये। किस तरह वो नियोजन कर रहे हैं और गुलाबी बोंदड़ी के लिए खास नियोजन करना है तो हम उनसे अलग से बात कर सकते हैं। हाँ सर, मैं ये पूछ वर्कशॉप लेती भी हूँ। उनके साथ में ले। हाँ और बेल बनाने के लिए उनके पास इच्छा हो, अगर बहुत कापूस शेतकरी के पास हो और अगर बेल बनाने की इच्छा हो तो हम MCX के अंतर्गत बेल भी कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कपास कैसे जमा करके उसकी सफाई कैसे करना उसकी उनको पूरी ट्रेनिंग मिले। हाँ मैं ये जानकारी उन्हें दे देती हूँ। है ना, 3 पॉइंट मैंने बताया, 3 पॉइंट की जानकारी दो और किस तरह उनको आगे बढ़ना है। तो फिर नेक्स्ट वर्कशॉप हम करते हैं, तो बेल बनाने के मूल्य वर्धन और फिर ब्रांड करने की मूल्य सर्जन, ये दो अपॉर्चुनिटी संधि हम उनको देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म। हाँ सर, ये सब मैं ओके बताती हूँ उनको। बताओ क्या आगे मैं शर्मा सर को इनवाइट करूँ, क्या आप कुछ बात करना चाहेंगे? नहीं जरूर करो शर्मा जी का प्रेजेंटेशन अच्छा हो गया, एफपीओ को बहुत सारे फायदे हैं, वो समझते भी हैं, लेकिन इस साल उनको एक मौका है। गत वर्ष में आपने वोट नहीं किया, कपास के भाव ऊंचे थे और बेल के भाव नीचे थे, इस साल कपास में और बेल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो कपास के भाव स्टेडी रहे और बेल के भाव बढ़ते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है MCX में काम करने। और शर्मा जी को बिल्कुल इनवाइट करो। हाँ सर। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार साहब। प्रणाम जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, आप सबकी दुआ है। दुआ ऊपर वाले की और आप जैसे बुजुर्गों की, है ना? आप हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारे लिए प्रिविलेज है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हम आपकी बात पहुंचाएं। और आप जो प्रोडक्ट कह रहे हैं ना शर्मा जी, हमें है कि एक इनपुट सेंटर हम बहुत जल्द से जल्द डालें, और आप जो प्रोडक्ट बोल रहे हैं आप, आपकी आवाज कट रही है। हाँ सर, खुद ही चालू करें और ऐसे प्रोडक्ट हम बना के किसानों को दे। सर आपका आवाज बहुत ही ब्रेक हो रहा है, आगे बात करो। हाँ हाँ, तुम आगे बात करो शीतल। हाँ सर।
पुरुषोत्तम शर्मा सर, मनीष सर थोड़े ट्रैवलिंग में है इसलिए उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी जी वेबिनार के आगे में आमंत्रित करना चाहती हूँ पुरुषोत्तम जी शर्मा सर, इनको इनके बारे में जितना बोला जाए बहुत कम है। खेती में काम करने का इनका अनुभव बहुत अच्छा है और आज भी फार्मर को इतनी सिंपल भाषा में वो समझाते हैं और घरेलू खेतों में आने वाले रोगों पर घरेलू उपचार कैसे किया जा सकता है और अधिक उपज कम खर्चे में अधिक उपज कैसे ली जा सकती है, इसका इन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमारे सभी किसान भाइयों को किया है और उनका प्रयोग करके किसान भाइयों ने अनुभव भी लिया है। तो शर्मा सर आपको मैं विनंती करती हूँ, आज हमारे साथ जुड़े हुए है द महागांव एफपीओ के डायरेक्टर और किसान भाई, तो क्या आप इन्हें बता पाएंगे गुलाबी सुंडी जो है उसके वजह से कपास खराब होता जा रहा है वो नहीं आ पाए और कपास की उपज अधिक कैसे ली जा सके, इसके ऊपर आप कुछ बता पाएंगे हमारे किसान भाइयों को? मुझे खुशी होगी, मैं जितना जानता हूँ निश्चित रूप से बताने की कोशिश करूंगा। ये इस एफपीओ में उस क्षेत्र में जहाँ जो है अपन बात करें कौन कौन सी फसलें होती है? यहाँ पे कपास होता है, तूर, चना, सोयाबीन। अच्छा, किसान भाइयों राम राम। मुझे खुशी है कि आवाज आ रही है मेरी। हाँ अशोक सर बोला ना, अपन कहीं बोलू शक आ रही है, आ रही है। अच्छा किसान भाइयों राम राम, और चूंकि राम आज विराज गए हैं तो निश्चित रूप से जो है महाराष्ट्र के सभी किसान बहुत खुश होंगे और हमारे यहाँ तो दिवाली मन रही है और पटाखे भी फूट रहे हैं, तो पटाखे तब फूटते हैं जब लक्ष्मी घर में आती है। तो लक्ष्मी आपके घर में ज्यादा कैसे आवे उसके कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ। कपास में पहला तो ये है कि हमें उपज बढ़ानी है और खर्चे कम करने हैं और अच्छी कपास पैदा करनी है जिसमें कचरा न हो, जिसमें जो है प्योर कपास, पवित्र कपास। तो कपास की उपज बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हम जिस खेत में कपास बोते हैं तो उस खेत को बदल देना चाहिए। उस खेत में, क्योंकि वहां जो है जिस खेत में बोई है उसमें पैदावार निश्चित रूप से पिछले साल बोई और उसी में भी कपास बोओगे तो पैदावार कम होगी, संभव हो तो बदल देना चाहिए। दूसरा बिंदु यह है कि कपास में भी मिलवा फसल बोना चाहिए, उसमें आप जो है जो लुग्यूम क्रॉप कहते हैं जिससे दाल वाली फसल कहते हैं मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, वो मिला करके बोना चाहिए। तो जितनी भी दाल वाली फसल है वो जमीन को अच्छा करती है, खाद देती है, उसके पत्ते उसमें सड़ते हैं, उसकी जड़ों में जो है खाद बनाने की आकाश से जो नत्रजन है जो यूरिया से मिलता है वो उसकी गांठों में होकर के और वो जमीन को खाद दिलाता है। क्योंकि खाद की तो हमारे यहाँ जैविक खाद की, जो देसी खाद की तो वैसे ही कमी है। तीसरा बिंदु यह है कि गुलाबी सुंडी से बचे कैसे। गुलाबी सुंडी से बचने के लिए हमें गांव के स्तर पर विचार करना पड़ेगा कि जब भी आप बुआई करें उस गांव में या आसपास में जितने भी हैं वो कम से कम 10-15 दिन के अंदर अंदर बुआई कर दें सभी,
एक आदमी ने मई महीने में बो दिया, एक ने जून में बोया, एक ने बरसात के साथ जुलाई महीने में बोया, तो गुलाबी सुंडी जब प्रकोप करेगी तो एक साथ जिसने बोया है तो उसमें तो उसकी एक पीढ़ी दो पीढ़ी होकर के मान लो हो भी गया तो वो खत्म हो जाएगी, लेकिन जिनने 3 महीने का गैप दे दिया, एक साथ 2.5 महीने का दे दिया, तो उसमें क्या होगा, उसके लिए उसको पीढ़ी पैदा करने के लिए जो है वो सहज सुविधाएं मिल जाएगी, जो मई में बोया फिर जून में बोया वो उसके लिए तैयार है, फिर जून में बोया वो जुलाई वाले की तैयार है। तो इसलिए गांव वालों को सामूहिक विचार करके कि भाई हमें बरसात में बोना है तो बरसात में अपन बोए, हमें जून महीने में बोना है तो जून महीने में बोए, 10-15 दिन में बोनी पड़ जाए, ये इसका प्रबंधन जरूरी है। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है गुलाबी सुंडी के लिए या गुलाबी बोंडी आप जो कहते हैं, वो ये है कि बीज का चुनाव आपको करना पड़ेगा। जो जो बीज बेचने वाले ने, बीज विक्रेता ने, दुकानदार ने आपको जो पकड़ा दिया, देखो भाई ये वैरायटी अच्छी है, ये जाओ लगा दो, नहीं, उससे पूछो भाई ये कितने दिन में पकती है। जल्दी पकने वाली ही किस्म आपको खेत में बोनी है, जो 140 से 160 दिन में पक जाए, आपका नवंबर तक खेत जो है खाली हो जाए। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, खेत में हम निगरानी रखते रहें, निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप वगैरह भी लगाते हैं, उसमें जो जो आती है मौत आता है, तितली बोलते हैं, तितली आती कितनी आती, तो उसके हिसाब से दवा छिड़कना चाहिए। दवा छिड़कने में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो हर कोई बताता नहीं, मैं बताता हूं आपको, मैं जो दवाइयों के नाम बता रहा हूं, ये दवाई पहली बार में कपास पे नहीं छाटनी, रोगोर है, एमिडाक्लोप्रिड है, एसिटाक्लोप्रिड है, मोनोक्रोटोफास है, एसीपेट है, ये कभी भी पहली बार मत छाटो। आप जैसे ही इन दवाइयों को छाटोगे फसल एकदम हरी होगी, और एकदम हरी होगी तो वो जो है आपकी गुलाबी बोंडी को आकर्षित करेगी। क्या छाटना है, प्रोफेनेफास दवाई आती है, क्यूनलफास दवाई आती है, ये दवाई जो है आपको काम में लेना चाहिए पहली बार में, फिर दूसरी बार में जरूरत हो तो इन दवाइयों को आप ले सकते हैं। किसान क्या करते हैं गुलाबी सुंडी के लिए, और ये दुकानदारों ने और जो दवाइयां बनाने वालों ने, प्रोफेनोफास के साथ सिंथेटिक पाइरोथाइड जिसमें फेनवरलेट है, सुमेसिडीन है वगैरह, ये मिला देते हैं, कभी भी भूल कर 120 दिन तक ये सुमेसिडीन और फेनवरलेट वगैरह नहीं होना चाहिए, जो ये मिली हुई जो दवाइयां नहीं छाटना है, गुलाबी सुंडी और ज्यादा आएगी, सफेद मक्खी और ज्यादा आएगी, तो इसका बचाव आप आपको ये प्रबंधन है, व्यवस्था है, आपको ये व्यवस्था बनानी है। इसके बाद जब आपकी फसल आप देखेंगे पहली दूसरी जो आपने कर ली, अच्छा कर ली, आपने जो है समय से बुआई की है, तो आखिरी जो चुनाई आप करते हैं, तो आखिरी चुनाव में अगर आप उन बोंडी को, उनको जो है बॉल्स को, हमारे यहाँ डिंडू बोलते हैं, उसको
काट करके देखेंगे तो उसमें आपको गुलाबी सुंडी निश्चित रूप से मिलेगी। तो जितनी देरी करेंगे और जितनी देरी वाले हैं तो लेट होने वाले हैं, ये लेट तक जो है आपकी फसल खड़ी रखेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको गुलाबी सुंडी का प्रकोप होगा। गुलाबी सुंडी के लिए गुलाबी सुंडी के लिए आपको ये करना है, गुलाबी सुंडी के लिए आपको ये करना है कि जैसे ही फसल खत्म हो तो आप उसको ट्रैक्टर से, बैलों से, जिससे भी हाँकते हैं उसकी हकाई कर दें। आप देखेंगे कि जैसे ही आप हकाई करेंगे तो बगले जो है पीछे 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 जो है उन कीड़ों को खाने के लिए जो है पीछे घूमते हुए नजर आएंगे। तो गुलाबी सुंडी की जो प्यूपा है वो जमीन के अंदर रहता है, तो जैसे ही आप फकाई करेंगे जमीन से ऊपर आएगा, वो बगले खाएंगे, फिर जो धूप पड़ेगी उस धूप से जो है वो गुलाबी सुंडी आपकी धूप से भी खत्म होगी। तो ये तीन चार चीजें आपको ध्यान में रख के रखना जरूरी है। और आपके जो जितने जिनर हैं, आपकी जो फैक्ट्रियां हैं, कपास की फैक्ट्रियां, वो भी गुलाबी सुंडी को प्रसार करने में उनकी बहुत बड़ी जो है भूमिका है, क्योंकि ये जो गुलाबी सुंडी है वो बीज के अंदर रहती है, दो बीजों को मिला करके वो जोड़ देती है, उसको डबल सीड कहते हैं। तो वहां से जो है, और जो उनका बिनोला है, बिनोला को आप क्या कहते हैं, जो जिसको जानवरों को खिलाते हैं इसका बीज, तो वो उस बिनोले में छिपी रहती है, और जो बिना जिनिंग किया हुआ कपास है उसमें छिपी रहती है। तो मैं तो कई फैक्ट्री वालों को कहता हूँ, भाई आप कम से कम लाख इनकम से कम जो है ना फेरोमोन ट्रैप लगा करके कभी कभी दवाई छांटा करो, आप जो नुकसान किसानों का कर रहे हो, तो एक दिन ये होगा कि भाई आपके यहाँ कपास ही आना बंद हो जाएगी। तो आप जो है कम से कम ये करो कि ये जो है कपास की उसमें जरूरत हो तो दवा छांटें, फेरोमोन ट्रैप लगाएं या लाइट ट्रैप लगाएं, कुछ भी लगाएं वगैरह। अभी ये फैक्ट्रियां इस और बिल्कुल सोच ही नहीं रही है, लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान है बीमारी को, इस कीड़े को जो है प्रसार करने के लिए। अब मैं कपास में खर्चों में कटौती कैसे करें, खर्चों में कटौती करने के लिए ये है कि हर किसान के यहाँ एक दो तीन जानवर जरूर रहते हैं, गाय भैंस वगैरह। ये गाय भैंस जिसके है तो वो निश्चित रूप से बिलोना भी करता होगा, घी निकालता होगा, छाछ भी बनती होगी, जिसे मट्ठा कहते हो आप, क्या कहते हो, वो छाछ आपके लिए जैसी गुणकारी है वैसी गुणकारी फसलों के लिए भी है। इसके लिए आयुर्वेद में कहा गया है कि भगवान ने देवताओं के लिए सोमरस बनाया है और मनुष्यों के लिए छाछ बनाई है, इसको जो आदमी प्रयोग करता है तो उसका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहता है। तो कीड़े मारने के लिए, बीमारी कम करने के लिए जो छाछ है, उस छाछ को एक मटकी में डालिए, उसको 4-5 दिन तक खट्टा होने दीजिए, फिर उसमें गोमूत्र जितना है उस वो डाल दीजिए। और मैं गोमूत्र की बात कर रहा हूं, अगर भैंस का भी है तो भी डाल ही सकते हैं, वो डाल करके फिर आपकी जो
दवा छिड़कने वाली टंकी है, जो मशीन है, उसमें 2 किलो ये डाल करके और 2 लीटर डाल करके और बाकी का पानी डाल करके आप छाटेंगे, तो आपके जो कीड़े हैं वो कीड़े मरेंगे, बीमारी कम आएगी। अगर 2 बार भी आप छाटी छाटा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी को अच्छा बनाने के लिए उस जो मटकी में है, थोड़ा नीम, नीम के पत्ते, धतूरे के पत्ते, आंकड़े के पत्ते, एलोवेरा है उस वो डाल सकते हैं, वो डाल करके और आप करेंगे तो तरह तरह के कीड़े भी साथ समाप्त होंगे। आप उसको ये सब हो करके छान लीजिए और छान करके और फिर जो है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और सस्ता बताता हूँ तुरंत फुरत का, कि आपकी जो हर हर जगह हरी मिर्ची मिलती है, हेलो, हर जगह हरी मिर्ची मिलती है, हरी मिर्ची 500 ग्राम लेकर के उसे अच्छा पीस लीजिए, तीखी मिर्ची, और 500 ग्राम लहसुन, जो प्याज लहसुन जो आप खाते हैं, लहसुन जो सब्जी में डालते हैं, उसको भी 500 ग्राम आधा किलो जो है पीस लीजिए, फिर उसको पानी में घोल लीजिए, घोल करके और आप जो है फिर छान लीजिए, 140 150 लीटर पानी में मिला करके आप जो है किसी भी फसल में, मैं यही नहीं कहता कपास की, किसी भी फसल में आप डालेंगे, आपके कीड़े वगैरह जो है समाप्त होंगे। तो जो जो अंग्रेजी दवाई तो बहुत महंगी है, बिकती है, तो अंग्रेजी दवाइयों से केवल आपकी जेब तो हल्की होती है, लेकिन ये अंग्रेजी दवाई अगर गलत ढंग से प्रयोग करें तो छाटने वाले को भी स्वास्थ्य को नुकसान है। कई बार इससे छाटने वालों की मौत भी हो जाती है। आप जब छाटते हैं तो वो आकाश में भी उड़ता है, जहर जमीन में जाता है तो वो जो है आपकी पीने का पानी वगैरह उसको नुकसान करता है, आपके कुएं में का पानी जहरीला कर देता है। और चूंकि हमारा किसान अभी इतना नहीं हुआ है कि भाई ये जहर है वगैरह, कई बार माली लोग जो सब्जी लाते हैं वगैरह, कल दवा छाटी और उसको ही ला करके और बाजार में बेचते हैं, वो आप भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, हमारे बच्चे भी खाते हैं, तो तरह तरह के रोग इससे पैदा हो रहे हैं। मैं बहुत संक्षेप में आपको कुछ गुण बताता हूँ जिससे पैदावार बढ़ सकती है और बढ़ती है। आज जो है मैं जहाँ से बोल रहा हूँ उसकी पैदावार आज इतनी है कपास की कि आपसे 4 गुनी ज्यादा है। आपके यहाँ 360 किलो रुई प्रति हेक्टर जो है पैदा हो रही है और मेरे यहाँ कम से कम 120 किलो रुई प्रति हेक्टर पैदा हो रही है। और दुनिया का जो एवरेज है वो है 744 किलो रुई प्रति हेक्टर है। तो हम तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो दुनिया से भी बहुत आगे चल रहा है। और अभी जो सबसे अधिक पैदावार लेने वाली महिलाएं हैं, तीन तीन महिलाएं हैं, उनकी पैदावार तो 1310 किलो रुई प्रति हेक्टर। तो उस के लिए हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे। और यह है पहला प्रयत्न यह है कि आप जब जो है फसल आपकी आपने खुदाई बुदाई सब कर ली तो उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दें, डोली बना दें, तो उससे जो है एक तो पानी, ज्यादा पानी होगा तो नुकसान नहीं होगा, कम पानी होगा तो नमी का संरक्षण होगा और हवा चलेगी तो टूटेगी नहीं। पहला।
दूसरा काम जो आपको करना है, जब आपकी फसल कंधे की जितनी बड़ी हो जाए, 5 फीट की हो जाए, 4.5-5 फीट की हो जाए, तो उसका सिर तोड़ दो। इसके कहते हैं डी टोपिंग। डी टोपिंग करने से 15 से 20% पैदावार बढ़ती है। और आपके कॉटन गुरु ने तो इसकी डी टोपिंग की मशीन भी आप लोग बहुत सी जगह इन्हें वितरण की है, और आप भी चाहेंगे तो वो मंगा के दे सकते हैं। मतलब जो है तो डी टोपिंग करने से क्या है कि नीचे की शाखाएं फूटेगी, और जितनी शाखाएं फूटेगी उतने जो है आपके बॉल्स ज्यादा लगेंगे, और जितने बॉल्स ज्यादा लगेंगे तो पैदावार बढ़ेगी। तीसरा जो मंत्र है वो यह है कि 1 एकड़ में 1 किलो का NPK 19 19 19 20 20 भी आता है, तो 1 पैकेट और 1 किलो का जो है माइक्रो न्यूट्रेंट, इन दोनों को मिला करके आप एक बार आकर छाटेंगे तो पोटाश अधिकतर खाद का नहीं देते हैं, DAP दे देते हैं, यूरिया दे देते हैं, पोटाश नहीं देते। तो उसमें पोटाश भी मिलेगा, माइक्रो न्यूट्रेंट। और एक जो सबसे बड़ी बीमारी है पैराविल्ट की, जिसमें कपास में फसल शाम को जो किसान देखता है और सुबह जाके देखता है तो कपास की 25-30% पौधे जो है वो बिल्कुल मुरझा के सूखने लगते हैं, जिसे पैराविल्ट कहते हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो उससे ये बीमारी नहीं आएगी और पोषण भी देगा, ये इसमें खाद है NPK। चौथा बिंदु ये है कि आपके फूल भी गिरते हैं और बोल भी गिरते हैं। इसको रोकने के लिए प्लेनोफिक्स नाम की दवाई आती है, बहुत सस्ती सी, और उसे अगर आप एक बार छाटेंगे तो उससे आपके जो बॉल्स है वो गिरना बंद हो जाएंगे। तो मैंने 4 चीजें बताई है, ये आप अपना लीजिए और इसको अपना कर देखिए, और गोमूत्र और इसका छिड़काव आप कीजिए। जो आपके यहाँ उपलब्ध जो है साधन है, छाछ आपके यहाँ है, जानवरों का मूत्र आपके यहाँ है, पेड़ पौधे आपके आसपास लगे हैं, नीम करंज वगैरह ये, और यहाँ तक कि आप इसमें गाजर घास भी डाल सकते हैं। तो ये डाल करके और आप जो बनाएंगे पैसा भी बचेगा। अगर आपने दवा छांट भी दी और दूसरे दिन आपके जानवर जो है मान लो रचका या कोई भी घास वगैरह और उस पर भी छांट देते हैं या खाने की चीज को छांट देते हैं, तो इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। तो मैंने ये कुछ बातें बताई है। आपके कोई प्रश्न हो तो मुझे खुशी होगी कि मैं उसका जवाब देने में मैं जितना जानता हूँ बताने की कोशिश करूंगा। हेलो अशोक सर, अशोक सर आपण काय विचारू इच्छिता शर्मा सरांना? नाही नाही शर्मा सर, एक किसान का यहाँ पे क्वेश्चन है जी। तूर लेते हैं खेत में जी, तूर तूर हाँ तुअर अर अर तुअर तुअर हाँ हाँ ठीक है समझ गया। हाँ, उसके ऊपर जो बीमारी आती है या फिर पत्ते उसके कमजोर होते हैं, उसके ऊपर क्या कर सके? देखिए, एक तो जो है कैटरपिलर लगता है उसमें, तो आप जो है ना मैंने जो दवाई बताई है या फिर प्रोफेनोफॉक्स फॉस जो है छाटेंगे तो वो लत खत्म हो जाएगी। दूसरा बिंदु ये है कि अगर आपके ये जो पत्तों पर जो है धब्बे धब्बे
लग करके और सूखते हैं तो मैंक, अगर पत्ते सूखते हैं और वो होता है तो उसमें एक मैंको जे मतलब डाइएथेन एमजे 45 मतलब जो है दवा आती है मैंको जेब कहते हैं, तो वो आप दो दो ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बना करके और उसमें जो जब भी करें तो थोड़ा सा जो है ये कपड़े धोने का जो पाउडर आता है उसमें थोड़ा मिला देता कि झाग बन जाए वो चिपकने में, तो आपकी उससे वो जो बीमारी है पत्तों की और उसकी जो है वो उससे जो है समाप्त होगी। हेलो। हाँ सर जी, तो मैंने दोनों बता दिया, प्रोफेनोफास जो है कीड़ा लगता है और वो जो लट को क्या कहते हैं कैटरपिलर को आपके यहाँ वगैरह, तो वो जो है लगता है, तो आप प्रोफेनोफास 30 मिलीलीटर पर मतलब दो मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से आग बना करके छाटेंगे तो वो जो है कीड़ा भी मर। अशोक सर आपल्याला समजली माहिती? काय विचारू इच्छिता सरांना? नाही काही विचार ठेवलं, भरपूर माहिती दिली, भरपूर माहिती दिली। थैंक यू सर। अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। अजून एफपीओ मधले जे शेतकरी आणि काही डायरेक्टर्स आहेत त्यांना काही विचारायचं आहे का? हो पा ना कोणी असेल तो बोलू। हा आपले जर काही प्रश्न असतील तुम्ही मला व्हॉट्सअप करा किंवा फोनवर सांगितलं तरी चालेल, आपल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला नक्की मिळतील। धन्यवाद अशोक सर। ठीक आहे, धन्यवाद। आपला वेबिनार इथे संपला असं मी सर्वांना सांगू इच्छिते। वेबिनारच्या शेवटी मी इथे आभार व्यक्त करते आजचे आपले एफपीओ ची टीम म्हणजे अशोक धडावे सर यांची सर्व टीम, द महागाव एफपीओ यांचे डायरेक्टर आणि शेतकरी बांधव यांचे मी इथे आभार व्यक्त करते कि त्यांनी आपला एक बहुमूल्य वेळ आम्हास दिला। तसेच मी आभार व्यक्त करते एमसीएक्स मधून आलेले बद्रुद्दीन खान सर यांचे, ज्यांनी जोखीम व्यवस्थापन कसं करावं याच्यावर आपल्याला छान मार्गदर्शन केलं। त्याचप्रमाणे मी आभार व्यक्त करते पुरुषोत्तम जी शर्मा सर यांचं, आणि मी आभार व्यक्त करते कॉटन गुरुचे प्रमुख मनीष दाका सर कि ज्यांच्यामुळे आपल्याला हे वेबिनार आज अरेंज करता आलं, हा एक प्लॅटफॉर्म आम्हाला मिळाला। थँक्यू एव्हरीवन। कंपनीच्या वतीने आम्ही सुद्धा सरांचे आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, आपण बोलूया सर पुढे, मनीष सरांचे काही प्रश्न होते। हा म्हणजे सर हे विचारू इच्छित होते की आतापर्यंत किती कापूस आपला आपल्या इथे वेचून झालेला आहे आणि किती टक्के कापूस वेचणी व्हायचा बाकी आहे? 80-85% माल वेचून झाला मॅडम, फक्त 10-15% माल बाकी राहिलेला आहे। बाकी राहिलेला आहे 15% आणि तो पण सुद्धा या 15 दिवसात निघून जाईल तो। ओके, आता जे बद्रुद्दीन सरांनी आपल्याला एमसीएक्स बद्दल प्रेझेंटेशन दाखवलं त्याच्यात आपल्याला काय पॉइंट समजले किंवा काय डाउट्स आहेत का? नाही नाही, गटानी बद्दलही कळालं आम्हाला आणि जे बोंडाळी बद्दल माहिती दिली ते पण चांगली पूर्ण माहिती समजली आम्हाला। ओके, आपण कॉटन गुरुच्या मार्फत एमसीएक्सच्या पोर्टल वरती रजिस्ट्रेशन करू शकतो, त्याच्यासाठी आपल्याला काही डॉक्युमेंट्स लागणार आहेत एफपीओ कडून। बर,
ते मी तुम्हाला व्हॉट्सअप करते, तुम्ही बघा काय अडचण आली तर मला विचारा, मी सांगते ते. आणि आपण एमसीएक्सच्या पोर्टल वरती हे रजिस्ट्रेशन करून घेऊया आपल्या एफपीओच. काय माहिती आहे ती मी कळवतेच तुम्हाला. चालत. ओके, धन्यवाद सर, आपण एवढा छान टाइम आम्हाला दिला आणि ही माहिती ऐकून घेतल्याबद्दल. ठीक आहे.